हेलो बच्चों, तो आखिर आपने बिना कोई क्वेश्चन करे होमवर्क का सेकंड लेक्चर इसका ऑन कर ही लिया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, तो मेरे साथ ही आज चेप चेप के करना एक्सरसाइज 6B के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो खैर बच्चों, जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट नोट करा था, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे एक पॉइंट और आपको बच्चों ऐड करवाना है। तो जहाँ हमने शुरू में ये फर्स्ट सेकंड ये बातें लिखी थी, ये पॉइंट्स लिखे थे, उसके अंदर मुझे एक पॉइंट छोटा सा और ऐड करवाना है बच्चों। तो मैं ये बादल बनाकर वहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका नाम है, इस छोटे से पॉइंट का नाम है nth टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी तो nth टर्म का एक फॉर्मूला लिखना है बच्चों हमें, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा था कि कोई भी nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों a इंटू आर की पावर एन माइनस वन। बस तो ये छोटा सा फॉर्मूला ये और लिख लेना बच्चों, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। चलो तो अब हम एक्सरसाइज 6B का डिस्कशन शुरू करेंगे बच्चों। आपने जो कि वो नहीं करा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बात नहीं। तो मेरे साथ साथ बच्चों आ जाओ एक्सरसाइज 6B। तो पहले हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें लिखा है द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 इज। तो उसने हमको एक सीरीज दे रखी है, 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24। तो ऐसे करते करते जब हम सेवेंथ टर्म पर पहुंच जाएंगे तो कह रहा है बताओ सेवेंथ टर्म बताओ। तो देखो बच्चों, इसके अंदर आपको पहली टर्म पता है 6 है, और फिर आप किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके आर निकाल लो। तो आर कितना आ जाएगा, 12/6 यानी 2। अब क्योंकि हमें सेवेंथ टर्म निकालनी है, तो सेवेंथ टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला बन गया ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यानी 7 माइनस 1। ए की जगह पुट कर दो 6, आर की जगह पुट कर दो 2, 2 की पावर 6। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 इंटू 2 की पावर 6 जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 64। तो 6 इंटू 64 कर दोगे तो ये आ जाएगा 384, यानी कि ऑप्शन बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा है, T8 ऑफ द सीरीज। अच्छा, अब इसमें भी सीरीज दे रखी है 6, 12, 24। अब इस बार कह रहा है इसकी T8 मतलब एट्थ टर्म क्या होगी, एट्थ टर्म। तो बच्चों देखो, दूसरा तरीका भी है करने का, हमारी यही सेम सीरीज है और ये हर बार क्या हो रही है, डबल हो रही है। कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जो भी टर्म है अगली टर्म उसका डबल है, जो भी टर्म है अगली टर्म उसका डबल है। सेवन्थ टर्म हमने निकाल रखा है ना 384, तो इसका मतलब सेम ही सीरीज है। तो एट्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, उसका डबल होगी। तो 384 का अगर आप डायरेक्टली डबल भी निकाल लोगे, यानी कि 768, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई एट्थ टर्म जो है वो 768 है। और अगर वैसे करना है फॉर्मूले से कि एट्थ टर्म का फॉर्मूला, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन मतलब ये बन जाएगा, तो 6 इंटू ये 128 बन जाएगा, तो 6 इंटू 128 भी 768 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है T12 ऑफ द सीरीज
माइनस 128, फिर 64, फिर माइनस 32, ये सीरीज दे रखी है। इसका वो कह रहा है ट्वेल्थ टर्म बताओ, ठीक है ना। तो ए तो आपको दिख ही रहा है माइनस 128 है। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 64 डिवाइडेड बाय माइनस 128, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। अब T12 का फॉर्मूला लगा दो, A यानी 128 इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो यानी कि 128 इंटू माइनस 1/2 की पावर 11। तो इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा। तो इसमें माइनस 128 को तो एज इट इज छोड़ दो, 1/2 को हम लिख लेते हैं माइनस 0.5 की पावर 11। तो माइनस 0.5 जो है उसको 11 बार कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 0.5 की पावर 11 जो है वो बच्चों ये आ रहा है, तो इनटू हो गया माइनस 0.000488, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 128 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 128 से तो पॉजिटिव 0.0625 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन तो सर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, ए ऑप्शन तो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो वो तो इसका मतलब गलत होगा, बी ऑप्शन में पॉजिटिव 16 दे रखा है वो भी इसका मतलब गलत है, सी ऑप्शन में दे रखा है 1/16। एक बार 1/16 करके देखो, 1/16 तो वो है 0.0625, तो इसका मतलब 1/16 जो है वो है 0.0625, वही हमारा भी आंसर है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन सी जो हो गया वो सही हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं लग रही होगी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आप बच्चों साथ साथ नोट करते रहना, कोई भी दिक्कत डाउट होगा तो मुझे बता देना। इसके बाद क्वेश्चन 4 में है द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब इस बार हमको सीरीज दे रखी है 0.04, 0.2, 1। तो 1, 2, 3 तो यही होगी, चौथी अगली टर्म पूछ रहा है, फोर्थ टर्म मतलब बस इसके बाद वाली नेक्स्ट। तो इसमें हम आर देखते हैं पहले, तो आर क्या है, 0.2 / 0.04, 5 आ रहा है, तो पहले हमने आर निकाल लिया, तो आर जो है वो 5 है, इसका मतलब हर अगली टर्म 5 टाइम्स हो रही है। तो फोर्थ टर्म आप वैसे भी निकाल सकते हो, 1 × 5, 5 ही आएगा वैसे तो, बट अगर वैसे फॉर्मूले से निकालना है फोर्थ टर्म तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a है 0.04, r है 5 की पावर n माइनस 1, तो 0.04 × 5³, तो 0.04 × 125, तो 125 × 0.04 कर लो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बस 5 आएगा। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1, 2, 4 to 10 टर्म्स इज। तो एक सीरीज है 1, फिर 2, फिर 4, ये 10 टर्म्स तक है टोटल।
तो 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 8 आएगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, ऐसी डबल डबल होते रहेंगे ये सीरीज होगी। ये कह रहा है 10 टर्म्स तक है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10वीं होगी 512। तो 10 टर्म्स तक कंप्लीट हो गया, तो कह रहा है बताओ इसकी लास्ट टर्म बताओ, बताओ ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। तो 10 टर्म्स तक हमने निकाली ली, 512 है, तो 10 टर्म्स तक निकालने के बाद पूछ रहा है कि लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म 512 है इसकी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 512, ए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज ये अप टू 7 टर्म्स। तो इस बार सीरीज दे रखी है 1, फिर -3, फिर 9, फिर -27, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी लास्ट टर्म बतानी है अप टू 7 टर्म्स, तो इसमें टोटल 7 टर्म्स हैं, तो अपने को 7th टर्म बतानी है इसमें एक प्रकार से, ठीक है ना। तो पहले आर निकाल लेते हैं, कोई भी टर्म को डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस टर्म से, तो आर तो आ रहा है -3, A1 हमको पता ही है, तो बस तो 7th टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो -3 की पावर 6। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ रहा है जी 729। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स, फिर है 1, अप टू 31 टर्म्स। तो कह रहा है 31 टर्म्स तक है ये सीरीज, इसकी लास्ट टर्म बताओ। तो इसका ए है एक्स स्क्वायर, इसका आर है कोई भी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो मैंने 1 अपॉन एक्स कर लिया, तो आर है 1/x। तो इसका हमको T31 बताना है कि इसका T31 क्या आएगा, ठीक है। तो T31 का फॉर्मूला डाल देते हैं, तो T31 का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 30। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 30। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 30 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2-30, तो यानी कि एक्स की पावर -28, या एक तरह से 1/x की पावर 28। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये बन गया ऑप्शन सी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है। बस तो ऐसे करने था बच्चों सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दे रहा है -2, फिर उसके बाद 6, उसके बाद -18। कह रहा है इसमें 7 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। तो इसका सम पूछ रहा है, इस बार सम पूछ रहा है 7 टर्म्स तक का। तो सम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए तो आपको पता ही है -2, आर कॉमन रेशियो 6/-2 यानी -3, फिर एन कितना है 7। तो बस तो इसमें आर की वैल्यू पहले तो ये देखनी कि आर की वैल्यू क्या है। तो आर की वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। आर की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी, तो हमने उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना था, 1 माइनस
आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो देखते हैं, ए है माइनस टू इंटू वन माइनस आर है माइनस थ्री की पावर एन यानी सेवन होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो सर। माइनस टू वन माइनस माइनस थ्री की पावर तो कितना आएगा, 2187 माइनस का होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना बन गया, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2187 अपॉन 4, इससे ये कटा 2, तो ऊपर आ रहा है माइनस 2188 अपॉन 2, तो 2188 अपॉन 2, 1094 नेगेटिव, तो नेगेटिव 1094 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। इसके बाद रिकॉर्ड करके देखते हैं बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द सम ऑफ द सीरीज 243 फिर 81 फिर 27, कह रहा है इसमें 8 टर्म्स हैं टोटल। तो बस पहले आपको ए पता है 243, उसके बाद फिर आपको आर निकालना है। आर कैसे निकालोगे, कोई भी टर्म ले लो डिवाइडेड बाय पुरानी टर्म, ये 3 से कट रही है, 2 27 81 फिर से 3 से कट रही है, 9 2 27 फिर से 3 से कट रही है, या 9 से ही काट दो सीधा, 1/3। तो आर हो गया 1/3 और एन है 8। चलो तो सम का फॉर्मूला क्या, आर की वैल्यू 1/3, 1 से छोटी है, तो फिर से वही फॉर्मूला ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ए में लिख लो 243, 1 माइनस आर 1/3, 1/3 की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो 243 इंटू 1 माइनस, ये तो 1 ही रहेगा, 3 की पावर 8 कितना हुआ, 6561, ये हो गया 3 की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो 243 इंटू 6561 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 6561 और ये हो गया 2/3। तो अब कुछ कट पिट कट करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो 243 और 6561 को कट कर देते हैं, तो 3 से ये कट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, 6561 डिवाइडेड बाय 243 कर रहा हूँ तो वो सीधा 27 बन रहा है, तो ये इसका मतलब कट के 27 बन जाएगा। तो 6561 तो हो गया 6560 अपॉन 27 और ये 2/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2। 3 से तो ये कट जाएगा 9 और 2 से ये कट जाएगा 6560 अपॉन 2 यानी 3280। तो अल्टीमेटली 3280 अपॉन 9 आ रहा है, तो 3280 अपॉन 9, 364.444, तो 3280 अपॉन 9 यानी 364.444। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए दे रखा है 36, वो तो गलत ही हो गया, बी दे रखा है 36 13/30, तो ये एक बार चेक करते हैं।
तीस इंटू 36 प्लस 13 1093 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ रहा है 36.43। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया इसका मतलब। तो सी है 36 वन बाय 9, तो 36 वन बाय 9 क्या आएगा वो भी मुझे लग रहा है, इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, वो भी आ रहा है 36.11, तो वो भी गलत है। तो इसका मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो जो सही आंसर है वो ना तो ए है, ना बी है, ना ही सी है। तो दैट मीन्स नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।